हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैदिक स्टार्ट इन। मैं हूँ आपकी फ्रेंड सुब्रा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं सत्तू की कचौड़ी। सत्तू की कचौड़ी जो है वो आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इवनिंग स्नैक्स और टी टाइम स्नैक्स के लिए भी इस रेसिपी को आप यूज़ कर सकते हैं। इस रेसिपी को जब लोग ट्रैवल के लिए जाते हैं कहीं भी लंबे जर्नी के लिए, तो इस रेसिपी को पैक करके ज़रूर ले जाते हैं, क्योंकि ये कभी ख़राब नहीं होता है, ये लंबे समय तक टिक जाता है। और इसे सिंपली आप एक अचार के साथ भी सर्व कीजिएगा, तब भी आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो इस रेसिपी को बनाएंगे। और लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, उससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे हमें बहुत सहानुभूति मिलती है, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस ला सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो आज हम लोग बनाएंगे खस्ता कचौरी सत्तू वाली। तो सत्तू की जो कचौड़ी होती है वो जनरली लोग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या फिर टी टाइम स्नैक्स में भी सर्व करते हैं। और उसे बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले उसका फिलिंग प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए 1/6 कप के करीब हम लोग सत्तू लेंगे और उसके साथ कुछ मसाले लेके मैंने यहाँ पे रोस्ट करके उसे कूट लिया था। तो यहाँ पे मसाले में हमने लिया है सौंफ, जीरा और फिर धनिया। ये सारे सीड्स को रोस्ट करके लगभग 1/2 टीस्पून के करीब मैंने सारे ही मसाले लिए थे और उसे रोस्ट करके कूट लिया है। अब उसे हम लोग इस जो फिलिंग बना रहे हैं उसमें हम लोग सत्तू में मिला लेंगे उसे, और 1/2 टीस्पून ही मंगरेल डालेंगे, 1/2 टीस्पून ही अजवाइन भी हमें डालना है और उतना ही हम लोग अमचूर पाउडर डालेंगे। यहाँ पे धनिया जो है चॉप करके रखा हुआ है मेरे पास 1 छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच ग्रीन चिली भी, और स्मॉल साइज का प्याज लेके उसे मैंने चॉप कर लिया है वो भी डालेंगे। फिर कुछ लहसुन की कलियाँ को भी चॉप करके हम लोग डाल देंगे। 1/2 लेमन का जूस है मेरे पास, मतलब 1/2 लेमन है मेरे पास, तो उसका जूस निकाल के उसमें डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच ही रोस्टेड जीरा पाउडर डालेंगे और अ डैश ऑफ चाट मसाला पाउडर। नमक तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, आप चाहे तो यहाँ पे काला नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चाट मसाला ये सब कुछ डाल रखा है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें 2 चम्मच के करीब पानी डालेंगे और उसे मिला के अच्छे से रख लेंगे। अब जो है ये बिल्कुल तैयार है, फिर हम लोग डो प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो डो के प्रिपरेशन के लिए हम लोग सबसे पहले 1/4 कप के करीब मैदा लेंगे और 1 कप के करीब हमें व्हीट फ्लोर लेना है। आप चाहें तो सिर्फ व्हीट फ्लोर में ही बना सकते हैं, लेकिन मैदे से ये बहुत क्रिस्पी और इसका कलर बहुत ब्राइट आता है, तो वो लेंगे। और फिर 1/2 टीस्पून के करीब ही अजवाइन, मंगरेल और कसूरी मेथी जो है वो अ डैश ऑफ कसूरी मेथी यहाँ पर डालेंगे। फिर 1 टेबल स्पून के करीब हम लोग सॉल्ट डालेंगे, आप नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग 2 चम्मच के करीब यहाँ पे तेल डालेंगे और तेल से ये क्रिस्पी हो जाता है और बहुत ज़्यादा इसमें अच्छे से मोयन लगा रहता है। इसे हमें बाइंड, मतलब ये जो प्रोसेस है जो अभी मैं कर रही हूँ फॉलो, हाथ से इसे ब्रेस करना और फिर मैश करना और बाइंडिंग कंसिस्टेंसी तक लाना, इस प्रोसेस में आपको कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे। यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ इसलिए जल्दी दिखा रही हूँ, लेकिन आपको लंबे टाइम तक बनाना है। उसके बाद हम लोग उसमें पानी डालेंगे, डो प्रिपेयर करेंगे और उसे ढक के आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब आधा घंटा हो चुका है, फिर हम लोग डो को निकालेंगे और उसे हाथों से ऐसे ही मैश करेंगे और उसे फिर इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड कर लेना है। अब हम लोग सबकी लोई बना लेंगे। अब एक लोई लेंगे और उसे हमें बिना आटा लगाए ही उसे हमें बेल लेना है, क्योंकि मैंने अच्छे से मोयन डाला था इसमें, तो फिर एक्स्ट्रा आटा या एक्स्ट्रा तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे आपका जब भी आप बनाते हैं कुछ भी पूड़ी टाइप का या फिर कचौड़ी या कुछ भी, तो इस प्रोसेस को फॉलो करके बनाइए, आपके आपका जो ऑयल होगा वो भी गंदा नहीं होता है।
अब उसमें फिलिंग डालेंगे और उसे सील करेंगे, फिर हल्का सा हल्के हाथों से उसे बेल लेंगे ताकि ये कचौड़ी जो है इवनली हो जाए। इससे क्या होगा कि जब ये बन के आएगी तो दोनों तरफ से अच्छे से पक के आएगी, और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें पकाना है। फ्राई करते समय आप आँच को तेज मत कीजिएगा, उससे ये बाहर से तो हो जाता है लेकिन अंदर से कच्चा रह जाता है, इसलिए हमें सब पेशेंस रख के ही कचौड़ियाँ बनानी चाहिए। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हम लोग बनाएंगे और ये देखिए गोल्डन हो चुका है। तो इसी तरह से सारी कचौड़ियाँ हम लोग फ्राई करके तैयार कर लेंगे और उससे निकाल के अलग रख लेंगे। अब हमारी कचौड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो दोस्तों ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।